किन्तु आटतको दाम बृद्धि हुई विधायक दिल्ली एको एक विधायक इतना दाम उठिसे 20-25 कोटी टका पर्यंत एको एक विधायक दर उठिसे 20-25 कोटी टका आम आदमी पार्टी विधायक दर चलिसे इतना राजधानी दिल्ली बीजेपीए कोटी कोटी टका आम आदमी पार्टी विधायक किनिबलै चेष्टा चलवार अभियोग उठिसे दिल्ली अपर सरकार भांगिबलै बीजेपीए लैसे हेनो अपारेशन लोटास अपर विधायक 20-25 कोटी टकार प्रलोभन दियार चांचल्यकर अभियोग संबाद मेलत तुलिसे बीजेपीर प्रति एक विस्फोरक अभियोग आम आदमी पार्टी जोगदान नक सीबीआई इडिर रुखत पड़ारो भाबुकी दिया हुई हेनो विधायक अजय दत्त संजीव झा सोमनाथ भारती कुलदीपक 20 कोटी टकार प्रलोभन दिया लगत जदि आन नेता लै आने तेतिया 25 कोटी टका तेओलोके लाभ करिब मोदी शक्ति कि सेया एतियालेके देखा नाई बोलिउ आपर विधायकक भाबुकी दिया हुई बोली संबाद माध्यमत कैसे इतिम्य मनीष सिसोदिया बीजेपी आमंत्रण जो कथा प्रकाश कर मुहूर्त एकाधिक आम आदमी पार्टी विधायक क्रय चेष्टा चल रिजोग उठिसे बीजेपी विरुद्ध हमारे पास एक पूर्व विधायक आए थे जो निजी तौर पर मुझे जानते हैं उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब अब आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है आम आदमी पार्टी अब खत्म होके रहेगी तो आज मैं आपके लिए एक ऑफर ऊपर से लेके आया हूं अगर आप आम आदमी पार्टी छोड़ते हैं तो आपको 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और बिल्कुल जैसा सोमनाथ भाई ने कहा कि चूंकि आप पुराने विधायक हैं आपके रिश्ते बाकी विधायक से अच्छे हैं तो अगर आप बाकी विधायक को तोड़ के लाते हैं तो आपको 25 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और हमने कहा कि अगर मैंने मना किया तो कहा कि उदाहरण आपके सामने है कि जो कुछ भी मनीष सिसोदिया के साथ हुआ एक एक विधायक के साथ ऐसा ही होगा हमने उनको पूछा भी भाई साहब आप तो जानते ही हो कि वो इतना अच्छा शिक्षा में काम किया है वो बेकसूर हैं हाँ बिल्कुल पता है बेकसूर हैं उन पर फर्जी केस लगाया गया यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप आज मोदी जी की ताकत को आप नहीं जानते उसी तरह के फर्जी केस में सबको लगाया जाएगा जो मान गया ठीक और जो नहीं माना वो इस तरह का केस झेलता रहेगा मेरा तो खून खौल गया सुन के हमने कहा देखो जी ये ऑपरेशन और ये बातें आप आम आदमी पार्टी के विधायक हम मुझे नहीं जानते हम लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं और आपके इस तरह की जो भी लोग ऊपर से आप चूंकि आपके संबंध मेरे से अच्छे हैं लेकिन जिन किसी ने आपको ये कहा है उनको कह दीजिएगा कि आपकी इस तरह की धमकी से हम लोग डरने नहीं वाले आपको जो करना है जितने केस लगाने हैं वो केस लगा लो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते लोगों ने बहुत उम्मीदों से चुना है और देश की उम्मीदें अब हैं उस उम्मीद को हम जाया नहीं होने देंगे एक दूसरे स्टेट के मेरे जानकार हैं जो पूर्व में सांसद रहे हैं उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे कहा कि भाई दिल्ली की सरकार गिरने वाली है और तुम आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी के साथ आ जाओ तो मैंने उनसे पूछा भाई क्यों गिरने वाली है ऐसा क्या हो गया है तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में वो बहुत सारे विधायकों के साथ उनके संपर्क में हैं
और वो सब भी उनके साथ आने वाले हैं। अगर आप हमारे साथ आते हो तो आपके 20 करोड़ रुपए का ऑफर है। मैंने कहा अगर नहीं आएंगे तो उन्होंने कहा भाई जैसा मनीष सिसोदिया जी के साथ हो रहा है ऐसी सीबीआई के और बहुत सारी एजेंसीज के केस में आपको फंसा दिया जाएगा। मैंने हम तो ईमानदार लोग हैं कि जी ईमानदार तो तुम्हारे मनीष सिसोदिया भी है। तो मैंने कहा क्या इस देश में किसी को भी कैसे ही फंसा देते हैं? कह रहा बिल्कुल। तो मैंने कहा हम तो बिकने वाले लोगों में से है नहीं, ईमानदार लोग हैं और ये तो गलत है। आप इस देश के अंदर जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हो, सरकारें गिरा रहे हो, तो उन्होंने कहा आप सोच लो एक बार, क्योंकि बहुत सारे और विधायक हैं जिनको हम ऑफर दे रहे हैं और वो आ जाएंगे, आप भी आ जाओ। मैंने कहा देखो अजय दत्त बिकने वाले लोगों में से नहीं है, हम लोग अपना सब कुछ छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए हैं और मैं जीवन में कभी भी ना तो अपनी पार्टी से गद्दारी करूंगा और ना उस जनता से गद्दारी करूंगा जिसने मुझे चुन के यहाँ भेजा है। आज हमने दिल्ली के चुने हुए विधायक, चार चुने हुए विधायक जनता के सामने पेश किए, उसके अंदर कुछ विधायक साथी तो तीन तीन बार चुने हुए विधायक हैं, जैसे संजीव झा और सोमनाथ भारती, तीसरी बार उनकी क्षेत्र ने जनता ने चुन के उनको भेजा है और उन्होंने आपके सामने खुलासा किया किस तरीके से 20 20 करोड़ रुपए देके 20 20 करोड़ रुपए के लालच देके हमारे विधायकों को खरीदकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को गिराया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत आश्वस्त हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं और उनके आप लोकल नेताओं से भी बात करो तो उनके पास भी ये मैसेज है कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार गिरने वाली है। लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अब कुछ दिनों की सरकार बची है, आपकी सरकार गिरने वाली है और आप कोई भी साथी गूगल करके देखिए और उसमें लिखिए ऑपरेशन लोटस क्या है, व्हाट इज ऑपरेशन लोटस, तो आपको पता चल जाएगा ये भारतीय जनता पार्टी की एक तय स्ट्रेटजी है जिसके तहत विपक्ष के विधायकों को जिनको जनता ने चुन के भेजा है उनको डराकर धमकाकर खरीदकर प्रलोभन देकर जनता की चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर जो चुने गए थे शिवसेना द्वारा और जब आज वो महाराष्ट्र असेंबली में पहुंचे तो वहां पर नारे लग रहे थे 50 खोखा 50 खोखा, ये आज भारतीय जनता पार्टी की प्रजातंत्र को देन है। आजादी के 75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन है 50 खोखा। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा बंद करो देश से धोखा, नहीं चलेगा 20 खोखा। ये भारतीय जनता पार्टी को जवाब है हमारे चुने हुए विधायकों का।